लेकिन 2019 का मामला जो है वो निकाल कर बीजेपी ऐसा लाई कि फिलहाल कांग्रेस और ज्यादा मुश्किलों में नजर आ रही है। बार बार भले ही राहुल गांधी इसे लेकर तमाम नेता ये कहते हो कि देखिए हमें डर नहीं लग रहा, हम बात उठाते रहेंगे, मुद्दे उठाते रहेंगे, लेकिन असल अगर देखा जाए तो कांग्रेस बहुत ज्यादा डरी हुई है। नमस्कार मैं कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास प्रोग्राम राजनीतिक गलियारा में। देखा जाए तो अब एक और मुद्दा सियासत में गरमाया हुआ है, जिसमें बार बार देखा जा रहा है कि दिग्विजय सिंह यहां पर एक मौका नहीं छोड़े ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधने पर। साथ ही साथ देखा जाए तो जहां राजस्थान के चुनाव नजदीक है, वही मध्य प्रदेश के भी चुनाव नजदीक है और मध्य प्रदेश के चुनाव भी यहां पर कांग्रेस पार्टी के लिए जीतना उतने ही जरूरी है जितने यहां पर कर्नाटक और राजस्थान के। अब मध्य प्रदेश की सियासत के बारे में आप लोग अच्छे से जानते हैं कि सत्ता में आ भी गई थी कांग्रेस पार्टी और काफी सालों बाद, लगभग 28 से 30 सालों बाद सत्ता में आई, लेकिन सिंधिया के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है, सिंधिया को ही मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता तो नाराजगी दिखाना लाजमी सी बात थी। नाराजगी दिखाई, अपने साथ मंत्रियों को लिया, विधायकों को लिया और उसके बाद उन्होंने तो बगावत की और उसके बाद पहुंच गए बीजेपी पार्टी में। लेकिन अब देखा जाए तो एक तरफ उनके सीएम बनने की हुंकारे लगातार लगती नजर आ रही है, बार बार कहा जा रहा है यहाँ पर कि उनको सीएम बनाया जाना चाहिए और वो सीएम बन भी सकते हैं, और ये भी माना जा रहा है कि शायद वो कभी सीएम बन भी नहीं सकते क्योंकि राजयोग ना तो वसुंधरा राजे के हाथ लगा और ना ही यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के। लेकिन अब जो कयास लग रहे हैं उन पर चर्चा करेंगे इस खास कार्यक्रम में। अब चर्चा कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर सोनिया गांधी हर एक मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए क्योंकि उनके पास अब कोई बड़ा पद नहीं है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे उनको कोई ना कोई जिम्मेदारी दे सकते हैं जिससे वो फैसला ले सके। तो यहाँ पर सवाल कुछ इसी तरीके से रहेंगे कि क्या माना जाए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया या तो बीजेपी में ही रहेंगे, लेकिन बीजेपी अगर सीएम के लिए उन्हें आगे नहीं करती तो कहीं ना कहीं एक बगावती नेता, जिस तरीके से जयराम रमेश ने भी कहा था कि वो एक बार बगावत करता है तो दूसरी बार भी कर सकता है, क्योंकि अब वो फिर कांग्रेस की तरफ रुख कर सकते हैं अगर सोनिया गांधी ऐसा कोई ऑफर दे दे। कपिल आपका स्वागत है यहाँ पर। अगर देखा जाए यही सबसे पहले और बड़ा सवाल यही है कि अगर सीएम ही बनने और सीएम बनने का ही लालच है जिसकी वजह से वहां से बगावत हुई यानी कांग्रेस से और बीजेपी भी उन्हें जिम्मेदारी नहीं देती तो बीजेपी से भी बगावत करने में ज्यादा समय सिंधिया को नहीं लगेगा। बिल्कुल, सिंधिया की अगर बात करी जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस में जिस तरीके से बार बार कहा जाता है कि वापसी के दरवाजे बंद हो गए हैं, सोनिया गांधी से लेकर या फिर कोई और बड़ा नेता सिंधिया को मनाने जाता है तभी मुझे लगता है कि वो कांग्रेस में नहीं लौटेंगे। इसकी मेन वजह यह है कि देखिए सेंट्रल पार्टी के तौर पर कांग्रेस जो है वो काफी लंबे समय तक मौजूद रही थी, लेकिन फिलहाल सत्ता में केंद्र को छोड़िए राज्यों के अंदर भी कहीं ना कहीं संघर्ष करती हुई नजर आ रही है। हालांकि जैसे जैसे लगता है कि कांग्रेस का ग्राफ गिर रहा है तभी हिमाचल की जीत मिल जाती है, कर्नाटका को लेकर भी यही कहा जा रहा है, लेकिन सेंट्रल की अगर बात करी जाए तो बीजेपी कांग्रेस से कहीं ज्यादा मजबूत है। देखिए राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द हो जाएगी, ये बात ना ही चुनावी विश्लेषकों ने सोची थी ना ही गांधी परिवार ने सोची थी, लेकिन 2019 का मामला जो है वो निकाल कर बीजेपी ऐसा लाई कि फिलहाल कांग्रेस और ज्यादा मुश्किलों में नजर आ रही है। बार बार ही राहुल गांधी इसे लेकर तमाम नेता ये कहते हो कि देखिए हमें डर नहीं लग रहा, हम बात उठाते रहेंगे, मुद्दे उठाते रहेंगे, लेकिन असल अगर देखा जाए तो कांग्रेस बहुत ज्यादा डरी हुई है। और सिंधिया की अगर बात करी जाए तो केंद्रीय उड्डयन मंत्री के तौर पर वो फिलहाल दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं सिंधिया यही सोच रहे हैं कि सत्ता में आज बीजेपी है, अगर शिवराज मान लीजिए कि कल को रिटायर हो जाते हैं, हो सकता है कि 5 साल बाद हो, तो सिंधिया कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की रेस में है। और कई नेता ऐसे होते हैं, लालकृष्ण आडवाणी का हम एग्जाम्पल ले लें, जो प्रधानमंत्री पद को लेकर भी दावेदारी में रहे, राष्ट्रपति को लेकर भी दावेदारी में रहे, लेकिन कभी वो ये नहीं बन पाए। तो मुझे लगता है कि अगर सिंधिया की किस्मत में होगा तो जरूर उन्हें मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर ये देखा जाए कि बीजेपी पार्टी के ही नेता ये कहते नजर आए थे यहाँ पर कि नेता बगावत करके आया, तो उस पर कैसे विश्वास कर सकते हैं बीजेपी पार्टी यानी अपनी पार्टी कैसे विश्वास कर सकती है? और यहाँ पर जिस तरीके से टिकटों का बंटवारा किया गया तो यहाँ पर जो सिंधिया के साथ जो नेता आए थे, कार्यकर्ता आए थे, उनको उन टिकटों से बाहर रखा गया, उनको टिकटें नहीं दी गई काफी हद तक, क्योंकि यहाँ पर नेताओं ने साफ तौर पर कह दिया कि अगर उन्हें टिकटें दी जाएगी तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो यानी
हैं कि कहीं ना कहीं पार्टी के जो नेता है, जो पुराने नेता है, वो सिंधिया से नाराज चल रहे हैं। तो लगता है कि अगर यहाँ पर पार्टी सोच भी लेती है, मोदी शाह अगर सोच भी लेते हैं यहाँ पर कि सिंधिया को आगे करना चाहिए, सीएम पद के लिए ही नहीं बल्कि डिप्टी सीएम के लिए भी माना जाए कि आगे किया जाए, तो क्या वो जो नेता जो नाराजगी दिखाते नजर आ रहे हैं, क्या वो नेता मानेंगे? क्योंकि वो नेता तो उसी पद पर रह गए जहाँ वो थे, और कोई बगावत करके नेता कोई और बड़ा पद ले जाएगा तो कैसे चलेगा पार्टी में? देखिये, यही बड़ी बात है, सिंधिया को आगे ना बढ़ाने के पीछे जो तमाम नेता है उनका व्यक्तिगत स्वार्थ है। आप देखिए, एकनाथ शिंदे जो है वो शिवसेना पार्टी में थे, पार्टी छोड़ते हैं, बगावत करते हैं, बीजेपी में आते हैं और तुरंत उन्हें मुख्यमंत्री का पद दे दिया जाता है, तब तो ये सवाल नहीं होते हैं कि देखिए वो बगावत करके आए हैं, उनके जो विधायक हैं उनका भरोसा नहीं है, एकनाथ शिंदे का भरोसा नहीं है। तो राजनीति में कोई भी लॉन्ग टर्म जो चीजें होती हैं वो नहीं होती हैं, और ये जरूर माना जा सकता है कि अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जेपी नड्डा, ये तीन चार अगर नेता ये सोच लेते हैं कि नहीं जो सिंधिया है उनकी ताजपोशी हम करेंगे, तो फिर मुझे लगता है कि कितने भी बगावती सुर बीजेपी में देखने को मिल जाए, ताजपोशी उनकी लगभग तय मानी जाएगी। क्योंकि सिंधिया कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, वो जिस परिवार से आते हैं वो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो इन्फ्लुएंस है वो मध्य प्रदेश की राजनीति में रखता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल मोदी शाह की हामी का इंतजार जो है वो सिंधिया कर रहे हैं, और जब उन्हें ये हरी झंडी मिल जाएगी उसी दिन उनकी ताजपोशी हो जाएगी, बिल्कुल माना जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए कि मध्य प्रदेश के चुनाव जीतना दोनों ही पार्टी के लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पिछली बार कांग्रेस जीती थी, बीजेपी की सरकार तो बन गई थी बगावत के बाद, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी की जीत की ही बात की जाए तो भारत जोड़ो यात्रा लेकर राहुल गांधी पहुंचे थे मध्य प्रदेश में, लोगों ने जमकर स्वागत किया था, यहाँ तक कि यहाँ पर सिंधिया के कांग्रेस में वापसी जाने के कयास भी जमकर लगाए जा रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई और उसके बाद यहाँ पर अब वो प्रधानमंत्री तो बन ही नहीं सकते। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कि अगर भारत जोड़ो यात्रा 2.0 की शुरुआत हो जाती है और एक बार फिर से मध्य प्रदेश में पहुंचे यात्रा, तो क्या माना जाए कि यहाँ पर चुनावों से पहले कोई ना कोई बड़ा बदलाव मध्य प्रदेश की सियासत में देखने को मिलेगा? देखिए, मध्य प्रदेश की सियासत में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा इस बात की संभावना बहुत कम है। हालांकि ये बदलाव बीजेपी की तरफ से जरूर हो सकता है, शिवराज सिंह चौहान फिलहाल मुख्यमंत्री हैं और आने वाले वक्त में भी मुख्यमंत्री के तौर पर दिखाई दे सकते हैं। लेकिन बीजेपी जो है वो एक ऐसी पार्टी है जो चुनाव से पहले, जो चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो आप हो, उनको चौंका सकती है। और मुझे ये लग रहा है कि कांग्रेस की अगर बात करी जाए तो कमलनाथ ही मुख्यमंत्री पद को लेकर दावेदारी करेंगे। हालांकि देखिए, नवंबर में चुनाव होने, हालांकि तारीखों की घोषणा नहीं हुई है, नवंबर का महीना दिसंबर भी हो सकता है, लेकिन अगर 4-5 महीने रह जाते हैं, लेकिन बावजूद उसके प्रियंका गांधी जो है वो अलग कारणों की वजह से व्यस्त हैं, राहुल गांधी अपनी लोकसभा सदस्यता बचा रहे हैं और सोनिया गांधी एक्टिव नहीं है, और मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटका के चुनाव में कहीं ना कहीं व्यस्त है, तो ये दिखाता है कि एक से अगर ज्यादा राज्यों में एक साथ या फिर कुछ अंतर पे चुनाव होते हैं तो फिर कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। बीजेपी के साथ ये समस्या नहीं है, सिंधिया अगर मान लीजिए मध्य प्रदेश में चुनाव होते हैं तो वो और उनके साथ साथ शिवराज सिंह चौहान और 2-3 अगर मंत्री और स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल होकर प्रचार करते हैं तो बीजेपी मुश्किलों में नजर नहीं आएगी। तो मुझे यही लगता है कि फिलहाल मध्य प्रदेश की राजनीति में बदलाव की संभावनाएं बेहद कम है, और अगर होते हैं तो ये बीजेपी करेगी। एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे कि यहाँ पर हम ये तो बात कर रहे हैं कि सिंधिया को सीएम बनाया जाएगा या नहीं, या वो कांग्रेस में जाएंगे नहीं, लेकिन सोचने वाली बात ये भी तो आ जाती है कि जब सीएम ही बनना था यहाँ पर, उन्होंने सीएम नहीं बनाएंगे तब बगावत कर दी, लेकिन जब वो बीजेपी में आए तो उन्होंने शिवराज को क्यों सीएम बनने दिया गया? उन्होंने खुद अपनी दावेदारी वहां पर क्यों नहीं रखी? उन्होंने क्यों नहीं कहा कि मैं पार्टी में इसलिए आ रहा हूं क्योंकि आप मुझे सीएम बनाइए? तो आपको क्या लगता है कि उसके पीछे की क्या खास वजह रही होगी? देखिए, सिंधिया की अगर बात करी जाए, जब वो कांग्रेस में थे उनके तमाम तरह के कार्यकर्ता थे जिनकी मांगों को माना नहीं जा रहा था, और सिंधिया को लेकर ये कहा जाता है कि जिस तरीके से पायलट जमीन से जुड़े हुए नेता है, सिंधिया भी कुछ उसी तरह के नेता है। आप देखिए, ग्वालियर में ट्रेनों के ठहराव के मुद्दे को लेकर वो जिस तरीके से सरकार से मिलते हैं और उसके बाद कह दिया जाता है कि जल्दी इसका ठहराव कर दिया जाएगा। अगर उनके पिताजी की बात करी जाए तो वो भी इस तरीके का काम पहले करते रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिंधिया की जो नाराजगी थी वो कांग्रेस पार्टी से ज्यादा थी, और सीएम पद को लेकर जो नहीं ऐलान हो रहा था वो नाराजगी कम थी। और बीजेपी में आने के बाद कहीं ना कहीं सिंधिया को पता था कि पहला ये कि सेंट्रल में ये जो बीजेपी है ये आने वाले कई समय तक मौजूद रहेगी, तो उनका राजनीतिक करियर सेफ हो जाता है, सीबीआई और ईडी जैसी संस्थाओं का शिकंजा उन पर नहीं कसा जाएगा। और मान लीजिए कि शिवराज सिंह चौहान अगर आने वाले वक्त में रिटायर हो जाते हैं तो मध्य प्रदेश की राजनीति में शिवराज और सिंधिया के इतर कौन सा चेहरा याद आता है? शायद मुझे लगता है कि कोई और चेहरा नजर नहीं आता है। तो ये एक बड़ी वजह
हो सकती है। बिल्कुल माना जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब चुनाव नजदीक आते हैं तो कयास भी जमकर लगाए जाते हैं, पूरा बाजार गर्म हो जाता है कयासों से। लेकिन आपके साथ यहाँ पर यही सवाल छोड़े जा रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि क्या सिंधिया को अगर सीएम ही बनना है, उनको लालच है सीएम बनने का, तो बीजेपी आगे नहीं करती तो क्या किसी और पार्टी की तरफ रुख कर सकते हैं या फिर नहीं? इस पर जवाब जरूर दीजिएगा। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़।